अकाल सलाम है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बुक्कल ब्लॉग्स। तो आज मैं लेके आया हूँ घर में बनी लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल वेज नूडल्स। आई होप आपको अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी है यार, मैं तो बनाने जा रहा हूँ। ये रहे कुछ इन्ग्रीडियंट्स, चॉप्ड अनियंस, कैप्सिकम एंड ग्रीन चिलीज, ये ऑप्शनल है। आप इसमें रेड भी डाल सकते हैं और ग्रीन भी डाल सकते हैं। गैस ऑन हमने कर ली है, अब हम इसमें डालेंगे एक बर्तन लेंगे, पतीला, कढ़ाई, जो भी, क्योंकि अब हमें अपनी नूडल्स को उबालना है। डालेंगे एक चम्मच नमक और इसमें अब डालेंगे दो बड़ी चम्मच ऑयल के, ताकि जो हमारी ये नॉन स्टिकी बने, मतलब ज्यादा चिपके ना आपस में। एक चम्मच और ये दो चम्मच, और इसको अब थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा पानी में मिक्स हो जाए नमक के साथ। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स जिसे हमें बॉईल करना है। इसे हल्का तोड़ के डाल सकते हैं, पूरा पूरा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर। ये थी हमारी नूडल्स, हक्का नूडल्स सैम्स की। अब इसे अच्छे से इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि अच्छे से डूब जाए इसके अंदर। और अब इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे ढक के 15 से 20 मिनट। ये गरम, अब इसे हम करेंगे स्ट्रेन, अच्छे से छान लेंगे जाली में डाल के। ये अब हम लेंगे जो सॉस यूज करने वाले हैं, वो है, पहले लेंगे हम चिली गार्लिक पेस्ट गिरा, और सेकंड सोया सॉस, और थर्ड है रेड चिली सॉस, और फोर्थ है ग्रीन चिली सॉस। अब हाई फ्लेम पे हम इसमें डालेंगे अब ऑयल दो बड़ी चम्मच। ये वही वाली यूज करी जिसमें हमने अभी अपनी नूडल्स गर्म करी थी, तो हल्की हल्की चिपकी रह गई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे वैसे कोई। अब हम डालेंगे इसमें हम अपने चॉप्ड अनियंस, जितने भी हैं सारे अच्छे से डाल दीजिए इसमें। अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, इसमें फ्राई आ रही है, इसे बीच बीच में फिर कच्ची कच्ची चलाते रहें ताकि ये जले ना, चिपके ना। और साथ में अब इसमें डालेंगे अपनी कैप्सिकम और ग्रीन चिली, ये हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे ताकि, नहीं तो इसका तीखापन भी इससे कम हो जाएगा ग्रीन चिली का। और यह सॉफ्ट कैप्सिकम रेड पेपर, अब हम सारे सॉस एक ही जगह मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा बाद में आसानी हो मिलाने में। ये है रेड चिली सॉस, सोया सॉस का हम लास्ट में डालेंगे, यूज करेंगे। और अब हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस डाल देते हैं, बाद में फिर डाल देंगे। और इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन्हें एक अच्छा सा स्टार देंगे, और अब हम इसे डालेंगे अपनी कढ़ाई में। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्की सी हल्दी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इसके अंदर से निकली थी मैगी इसके नूडल्स के साथ साथ, वो है इसका मसाला। तो अब हम इसे डालेंगे इसमें, ये
डाल दिया है हमने, और इसमें वापस से डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और। ये पानी हमने इसमें मिक्स कर दिया है, अब इसे हम आराम आराम से हल्के हल्के से थोड़ा चलाएंगे। अब आ चुका है मेन काम, जो नूडल्स हमने बनाई थी, जो हमने उबाल थी, अब उसे हम ऐड करेंगे इसमें। ये हमारे नूडल्स, ये हमने डाल दिए इसमें। बस अब है इसमें मेन काम, जो मिलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसे सारे लोग आसानी से नहीं मिला पाते, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा। दो फोर्क का यूज़ करेंगे और इसको दोनों हाथों से ऐसे करके मिक्स करते रहेंगे हल्का हल्का टॉस। एक साथ सारी नहीं मिलानी है, एक पोर्शन को पकड़ लीजिए और एक एक करके इसको मिक्स करना शुरू कर दें। बोला था आपको पहले भी कि अब हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, हल्का सा स्मोकी फ्लेवर होता है सोया सॉस का, जिसके कारण इसे एक अलग ही टेस्ट मिलेगा और अलग ही एक अरोमा मिलेगा। हमारी नूडल्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, बस अब इसे हम करेंगे सर्व। हम इसे निकालेंगे अपने लीड में, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज नूडल्स, इसे हम डेकोरेट करेंगे अपने मिंट लीव से। गाइस बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी लग रही है। हमारे नूडल्स हो चुके हैं तैयार, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको ये नूडल्स कैसी लगी। धुआं शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत गर्मा गर्म है, बहुत टेस्टी लग रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक बिग थम्स अप दें और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।